वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे लव की, रिलेशनशिप की क्या एनर्जी रहेगी दिसंबर 2020 में। इसके लिए मैंने यहाँ पे रखे हैं दो हार्ट। पहला हार्ट है आपका ब्लू कलर का और दूसरा हार्ट है आपका रेड कलर का। तो आप वीडियो को पॉज करके आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं कि कौन सा हार्ट आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद इन दोनों पायल्स में से, दोनों डेक्स में से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी। ये पिकअप पायल रीडिंग है। टाइम स्टैम्प्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट के अंदर दे दूंगी। और उससे पहले यदि आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले से जुड़े हुए हैं तो भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा इस रीडिंग से आप कितना रेजोनेट कर पाए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी ब्लू हार्ट चुना था, आइए देख लेते हैं उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है, कैसे रहने वाले हैं उनके रिलेशन दिसंबर 2020 के अंदर। पहला कार्ड आया है एंगेजमेंट का। गुड, आइए देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के लिए। दूसरा कार्ड आया है वेडिंग का। तीसरा कार्ड आया है मेक द एफर्ट का। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के रिश्ते पहले से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं शादी की तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर ये ऐसा हो सकता है कि ये एक लव रिलेशनशिप हो, अगर ये आपका एक लव से आपके रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि वेडिंग की तरफ आप लोगों का रिलेशन जा रहा है, या कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप लोग अगर एंगेज नहीं हैं अभी तक भी तो कहीं ना कहीं आप लोग होना चाहते हैं या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर कई लोगों के मन में ऐसी फीलिंग है, ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये कुछ लोगों की एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये एक ऑल ओवर सब लोगों के लिए है, एक जनरल रीडिंग है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जी से इसलिए रिलेट कर पाती है क्योंकि आप पायल चुनते हैं या आप दी गई चॉइसेस में से चूज करते हैं, तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। तो जो चीज़ें रेजोनेट करें वो आप ले लीजिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करें तो प्लीज़ उनको जाने दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अगर आप किसी रिलेशन में जुड़े हुए हैं तो आपका रिश्ता आगे पहुंच रहा है, वेडिंग की तरफ जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये कार्ड कह रहा है मेक द एफर्ट, यानी कि अगर आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या उसको आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा और एफर्ट डालना चाहिए और उस रिश्ते को एक शादी का रूप देना चाहिए, अगर आप इस तरह का कुछ भी चाहते हैं तो। रिट्रीट का कार्ड आया है, तो ये कार्ड तो यही बता रहा है कि शायद कुछ लोगों के मन में दुनिया से थोड़ा सा दूर जाने की इच्छा है, या वो चाहते हैं कि थोड़ा सा अपना एकांत में समय बिताएं या अपने अपने रिलेशन को थोड़ा सा समय देना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने रिलेशन को थोड़ा सा समय देना चाहिए तो आपको वो एफर्ट जरूर करना चाहिए ताकि आप अपने रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से आगे चला सकें। आइए देख लेते हैं और क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। दो कार्ड आए हैं यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। तो ये कार्ड तो यही बता रहा है कि अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं तो चीज़ें बहुत जल्दी आप लोगों की चेंज भी हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि किसी ना किसी तरह का आप लोगों को कंप्रोमाइज़ भी करना पड़े अपनी सिचुएशन में, अपने रिलेशन के अंदर। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आप लोगों का जो रिलेशन है वो ओवरऑल थोड़ा सा मैच्योरिटी और मांगता है, थोड़ा सा आप लोगों को अपने रिलेशनशिप के अंदर एक मैच्योरिटी को डेवलप करना चाहिए, शायद इसीलिए आपको अभी और एफर्ट देने बहुत ज़रूरी हैं। आप लोगों का रिलेशन अगर ऑलरेडी ऐसा है कि एंगेजमेंट से वेडिंग की तरफ जा रहा है, शादी की तरफ जा रहा है, तो भी ये सब कुछ बहुत शायद जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें होने वाली होंगी या घटनाएँ होंगी। और जो कुछ भी ये होगा तो आपको इसलिए इसमें एफर्ट देना चाहिए कि कल को आपको ये ना लगे कि कहीं मैंने कोई सेक्रीफाइस तो नहीं कर दिया या दूसरे को खुश करने के लिए तो मैंने ऐसा नहीं कर दिया। तो आप लोगों को अपने रिश्ते को एक मौका देना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग अपने रिलेशन को अच्छी तरह से सोच सकें, अच्छी तरह से उस पर काम कर सकें और अच्छी तरह से ही उसको चला सकें। साथ ही साथ आपका कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो अगर आप इस रिलेशन में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, आपकी लाइफ चेंजिंग होगा।
आपका लाइफ चेंजिंग होगा, आपकी लाइफ बदल देगा। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि जब चीज़ें आप लोग करना शुरू करते हैं तो वो चीज़ें आपके हैप्पीनेस के अंदर बदल जाती हैं, ये हैप्पीनेस के लिए वो चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो आपको अपने इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा, अगर आपको अपनी डेस्टिनी को चेंज करना है तो आपको कहीं ना कहीं इसके लिए अपना एफर्ट देना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप जो भी सोच रहे हैं एंगेजमेंट करने की या वेडिंग करने की, उसके लिए अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो आपके भाग्य का चक्र नहीं बदलने वाला, उसके लिए आपको कोई ना कोई एफर्ट करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप उन लोगों में हैं या उन लोगों की कैटेगरी में आते हैं कि जो लोग इस चीज़ के लिए ऑलरेडी प्रयास कर चुके हैं और एंगेजमेंट से वेडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो भी ये आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपको अपने इस रिलेशन को चलाने के लिए अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक जना प्रयास कर रहा है और दूसरा जना कुछ नहीं कर रहा है, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही आप लोगों का रिलेशन चलने वाला है। अगर आप कहीं भी अगर इमेच्योरिटी दिखाएंगे या आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ अपने पे फोकस है, तो देखिए ये जस्टिस का कार्ड आया है, तो आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही आपको मिलने वाला है। तो ओवरऑल जो इन सबको देखकर ये मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि यदि आपको अपनी लाइफ में अपने हिसाब से कुछ चाहिए या आपको एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए तो आपको उसमें प्रयास करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं इन कार्ड्स को देख के ये फीलिंग भी आ रही है कि कुछ लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं हार्ट लेवल पे, और एक दूसरे को अपना मानते हैं। अगर ऐसा है और ऐसी 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 रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ा रहे हैं तो भी आपको उसमें एफर्ट देने ही पड़ेंगे। अगर आप अपने पार्टनर से किसी तरह से कोई परेशान है या आपको ऐसा लगता है कि वो आपको दबाते हैं या आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या आप इसमें अपना सेल्फ सेक्रीफाइस तो नहीं कर रहे हैं। देखिए इस रीडिंग में आपके साथ जो चीज़ रेजोनेट करेगी वो आप ले लीजिएगा, जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है वो आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सब चीज़ें सब पे लागू नहीं होती हैं, क्योंकि ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग जब होती है तो उसमें आपको कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ पूरी चीज़ रेजोनेट कर जाएगी, लेकिन पर्सनल रीडिंग स्पेसिफिक पर्सन के लिए होती हैं, स्पेसिफिक एनर्जी में होती हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसमें से आपके साथ जो रेजोनेट करता हो वो आप जरूर ले लीजिएगा, बाकी को आप प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आप जैसा करेंगे वैसा ही आपके साथ रिलेशनशिप आगे चलेगा। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही अपने एफर्ट दे रहे हैं या आप इसमें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए अपने एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको अपना सेल्फ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। यानी कि आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो सकते हैं इस रिलेशन में, अगर आप ये सोचें कि आगे जाके भी इन फ्यूचर भी जिन लोगों की भी शादी का अगर नहीं है ऐसा हिसाब किताब, अगर उनको लगता है कि उनकी एंगेजमेंट है या वो उस चीज़ को चाहते हैं और उनकी एंगेजमेंट नहीं हो रही, वेडिंग की तरफ वो नहीं जा रहे हैं, तो हो सकता है कि जो भी ये रिलेशन आप लोगों का एक साल के अंदर चले चले, उस एक साल के बाद में जो भी रिजल्ट आएंगे नेक्स्ट नवंबर तक, तो वो आपको ये पूरे एक साल कहीं ना कहीं जो मैसेज आ रहा है मैं आपको वो भी दे रही हूँ, अगले एक साल में आते आते आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं बैलेंस या तो बैलेंस हो जाएगा या फिर आपको उसमें वो रिजल्ट मिलेगा जिसमें आपके कर्मा बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि जैसा आप करेंगे आपको उसका वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चीज़ों में उलझ गए हैं, तो देखिए आपको अपने रिलेशन को सही रखने के लिए यही करना पड़ेगा कि आपको अपनी चीज़ों को करना पड़ेगा बैलेंस। अगर आपको बैलेंस करना है या बैलेंस करना चाहते हैं, तो तभी आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन जैसी कोई चीज़ आ सकती है और तभी आप अपने लाइफ को अपने रिलेशन को सही लेके चल सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप कहीं ना कहीं ऐसी इमेच्योरिटी दिखाएंगे जिसमें आपको ये लगता है कि वो इमेच्योरिटी दिखाकर भी आपका रिलेशन चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक लव रिलेशनशिप में नहीं है लेकिन अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, तो भी आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस नहीं करना है। अगर आप सिर्फ एक अच्छी आरामदायक जिंदगी जीने के लिए आप शादी कर रहे हैं, तो भी उसमें आपके एफर्ट्स लगेंगे ही लगेंगे। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है या इन कार्ड से मैसेज आ रहा है, अगर आप अपनी शादी के लिए प्रयास करेंगे तो ये ऐसी होने वाली घटनाएं होंगी जो कि बहुत जल्दी हो जाएंगी, लेकिन उसमें आपका पूरा पूरा एफर्ट लगेगा ही लगेगा। और जहाँ पे ये आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके रिलेशनशिप के अंदर कोई ना कोई एक पर्सन डोमिनेट करने वाला जरूर होगा,
हो सकता है कि वो अपनी ही बात चलाते हों और आपकी नहीं सुनते हों, एक किंग की तरह बिहेव करते हों या अपनी अथॉरिटी रखते हों, या तो आप ऐसे हो सकते हैं या आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है, तो भी यहाँ पे एक अथॉरिटी दिखाई दे रही है रिलेशन में, यानी कि एक पर्सन की अथॉरिटी यहाँ पे जाता है। लेकिन ये तभी ठीक हो पाएगा जब आप अपने रिलेशन के अंदर एक बैलेंस बना के चलेंगे। साथ ही साथ क्वीन ऑफ पेंटकल्स का कार्ड आ रहा है। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि किंग का कार्ड है और क्वीन का कार्ड है, लेकिन दोनों ही अलग अलग सूट के हैं। यानी कि ये जो कार्ड है ये बताता है कि पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से चलता है, यानी कि उसमें एक करने का, हो सकता है आपके पार्टनर ऐसे हों जैसे उनमें बहुत उत्साह होगा चीज़ों को करने का, वो करना चाहते हैं, सब चीज़ों को बैलेंस करके रखते हैं और आपको गाइड भी करते हैं। और ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है, अगर आप हो सकता है मेल हों तो आपके अगर पार्टनर ऐसी होंगी जो चीज़ों को बैलेंस करके चलती होंगी, अपनी चीज़ों को संभाल लेती होंगी, घर को भी संभाल लेती होंगी, एक क्वीन की तरह काम करती होंगी, सब चीज़ों में अथॉरिटी रखती होंगी। तो अगर आप दोनों एक किंग और क्वीन की तरह, क्योंकि ये एक अलग अलग प्रकृति के किंग हैं, ये एक अलग प्रकृति की क्वीन है, लेकिन यहाँ पे ये जो बात कर रहा है वो बैलेंस की बात कर रहा है। तो अगर आप ये बैलेंस बना पाए और अगर आपने इस रिश्ते को सही से चला लिया तो आने वाला फ्यूचर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो आपके लाइफ में जो सेलिब्रेशन की चीज़ें होनी हैं वो आपको उस लेवल पे नहीं मिल पाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि इस रिलेशन के चलते चलते आप लोग बीच में से थक जाएं, या आपको ऐसा लगे कि नहीं हम इसको नहीं चला सकते या हम इसको नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपनी उन इमोशंस को, अपनी उन चीज़ों को थोड़ा सा भी अगर आप बैलेंस कर पाते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से चला पाएंगे और आगे अच्छे से रह पाएंगे। लेकिन आपको इस रिलेशन में मिलेगा वही जो आपके कर्मों का फल होगा, यानी कि जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, या जैसा आपके साथ व्यवहार किया जाएगा वैसा ही व्यवहार आप पलट के देंगे। और ये रिलेशन एक बैलेंस रिलेशनशिप ही होकर चल पाएगा। जिस किसी एक पर्सन ने भी डोमिनेट होने की कोशिश करी, ये रिलेशन वहीं पर डिसबैलेंस हो जाएगा, चाहे आपकी शादी हो चाहे आपकी शादी ना हो। लेकिन इसमें ये कार्ड जो बता रहे हैं, यहाँ पे वेडिंग का कार्ड तो आ रहा है, लेकिन ये तभी सक्सेसफुल आपकी वेडिंग हो पाएगी जब दोनों पर्सन बैलेंस बना के चलेंगे। वो बैलेंस क्यों जरूरी है? वो बैलेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ किंग का कार्ड है, यहाँ क्वीन का कार्ड है, और दोनों ही अपनी अपनी अथॉरिटी रखते हैं। तो जब किसी एक पर्सन ने भी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की या उसको डोमिनेट करने की कोशिश की तो आप लोगों के रास्ते अलग अलग भी हो सकते हैं। कोशिश कीजिए अपने रिलेशन को एक अच्छा मुकाम देने की, क्योंकि कार्ड्स तो यही बता रहे हैं कि अगर आप बैलेंस बना पाए तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे और आप इनको बहुत अच्छे से चला भी सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप जो भी लाइफ में चाहें वो आपको मिले और वो आपके अच्छे के लिए हो, होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर करी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या चुना था और उसके साथ आप कैसे रेजोनेट कर पाए या कितना रेजोनेट कर पाए। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी रेड हार्ट चुना था उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है, कैसा रहेगा उनका फ्यूचर, कैसा रहेगा उनका लव रिलेशनशिप, आगे जाएगा या यहीं रुक जाएगा, या कैसी एनर्जी रहेगी, आगे क्या होने वाला है। आइए देखते हैं आपके दिसंबर 2020 की एनर्जी। साथ ही साथ अगर आपको अगर आपके साथ ये रीडिंग कहीं रेजोनेट ना कर पाए तो आप इसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा इस बात को, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग नहीं है। जब स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग की जाती है तो उसमें हम आपकी एनर्जी से, जो टैरो कार्ड रीडर होते हैं वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और उसको रीड करते हैं। हालांकि मैं स्पेसिफिक रीडिंग्स भी करती हूँ, लेकिन इस वक्त जो ये रीडिंग हो रही है ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की है, यानी कि एक जनरल रीडिंग है। तो इसमें से कुछ बातें हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट ना कर पाएं। तो जो रेजोनेट करे प्लीज़ आप उसे ले लीजिएगा, जो रेजोनेट ना करे प्लीज़ उसे जाने दीजिएगा। आइए देख लेते हैं, कीप एन ओपन माइंड का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो हैं आपसे थोड़े से डिफरेंट, आपकी और उनकी सोच में है थोड़ा सा अंतर, जिस तरह से आप सोचते हैं वो वैसा नहीं सोच पाते। लेकिन फिर भी ना सोच मिलने के बाद भी आप लोगों के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का कार्ड आया है। और अगर केमिस्ट्री ऐसी नहीं है तो ये एक अच्छी केमिस्ट्री हो सकती थी या हो सकती है अगर आप थोड़ा सा भी इसमें एफर्ट करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं ये आप लोग अपने एक्स से जुड़े हुए हैं आज भी, अपनी पुरानी चीज़ों में या पुरानी बातों में आज भी आप लोग जुड़े हुए हैं। रिलीज योर एक्स का कार्ड आया है। तो अगर आप अपने नए रिलेशनशिप में, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने नए रिलेशनशिप में इसलिए एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो आज भी अपने पुरानी यादों से या अपने पुराने लोगों से बाहर नहीं आ पाए हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो भी रिलेशन है
आपको उसमें एक केमिस्ट्री बनानी चाहिए ताकि आप अपने पार्टनर, अपने करंट पार्टनर के साथ में अच्छी से जिंदगी बिता सके। इसके लिए अगर या आप या आपके पार्टनर ने इसमें नहीं किया है ऐसा कुछ भी एफर्ट, तो आपको करना चाहिए। साथ ही साथ ये कार्ड जो आया है ये बता रहा है अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड भी यही बता रहा है कि कुछ केमिस्ट्री की कमी रह गई आपस में, एक अंडरस्टैंडिंग की कमी रह गई। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी लेकिन वो नहीं हो पाई, या तो आपकी वजह से नहीं हो पाई या आपके पार्टनर की वजह से नहीं हो पाई। तो यदि आपकी तरफ से ऐसा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने एक्स को रिलीज करें, और अगर आपकी तरफ से ऐसा नहीं है तो आपके पार्टनर की तरफ से जरूर ऐसा हुआ है कि वो अपने एक्स को रिलीज नहीं कर पाए। ये रिलेशन एक सोलमेट का रिलेशन हो सकता था, इसमें प्यार हो सकता था, लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी उस लेवल पे नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ इसके अंदर वो वाली प्यार वाली बात है या अभी वो चीजें हैं। वेरी सुन का कार्ड आया है, तो अगर आप अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा सा भी आगे बढ़ाना चाहते हैं या आप इसमें कुछ एफर्ट डालना चाहते हैं तो आपको जरूर एफर्ट्स डालने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ में अभी उस तरह से चीजें शेयर नहीं करता है, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए कि क्या चीज हो रही है। द एम्परर का कार्ड आया है, आप में से कुछ लोग शायद इस रिलेशन को शादी तक ले जाना चाहते थे, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो जिन्होंने ये रेड हार्ट चुना है, ऐसा हो सकता है कि वो अपने एक्स को लेकर ये रीडिंग रेजोनेट कर पा रहे हो। तो अगर ऐसा है तो या तो आप लोगों के बीच में किसी ना किसी तरह की कोई अड़चन आई होगी रिलेशन को लेकर या फैमिली की तरफ से। अगर ऐसा है तो आपका हार्ट ब्रेक भी काफी हुआ होगा, बहुत पेन वाला कार्ड है ये। आज भी शायद आप लोग अपने उस एक्स की याद में हैं या उन अच्छे समय को याद करते हैं या रोते हैं उस अच्छे समय को याद करके। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको अपने उस एक्स को या अपने उस एक्स वाले समय को आपको रिलीज करना चाहिए। द सन का कार्ड आया है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है आपके रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप अपने उस पार्टनर से मुक्त हो पाएंगे जो कि आपका एक्स था, या आपका पार्टनर अपने एक्स से फ्री हो पाएगा और चीजों को ठीक से कर पाएगा। द स्टार का कार्ड आया है, विश कार्ड है ये, यानी कि आप रिलेशन में जैसा चाहते हैं वैसा हो सकता है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब एक मिडल पाथ होगा, जब एक मिडल पाथ होगा और साथ ही साथ जब एक बैलेंस बना के चला जाएगा तभी ये चीज हो सकती है। उसके लिए आपको करना यही चाहिए कि आपको अपनी चीजें बैलेंस करनी चाहिए। और अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कोई नहीं है, हालांकि ये कार्ड देख के नहीं लग रहा कि नहीं होगा, जरूर है या एक्स है या अभी करंट में कोई है, लेकिन अगर कोई नहीं है तो आप गर्मियों तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन आ सकता है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आप अपनी लाइफ में इस वक्त जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको बहुत अच्छे से अपनी वो सिचुएशन पता है कि आप अपनी सिचुएशन में कहाँ आप लड़ रहे हैं या आपका एक स्ट्रगल चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सिक्स ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, यानी कि अगर आप रिलेशन में बहुत सारा दे रहे हैं या आप देना चाहते हैं तो आपको उतना ही देना चाहिए जितना कि आपको मिल रहा है, यानी कि आपको रिलेशनशिप में अपना लेन और देन बराबर रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा देंगे तो कहीं ना कहीं आपके हर्ट होने के चांसेस यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो आप कोशिश, या आपने ऐसा दिया था, अगर ऐसा है कि आपने अपने एक्स से रिलेटेड ये आपको लग रहा है, रेजोनेट कर रही है, तो हो सकता है आप वो पर्सन हो जिन्होंने अपने पार्टनर को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया जिसमें वो डिजर्व भी नहीं करते थे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो बहुत ही, अगर आप एक फीमेल हैं तो बहुत ही अच्छी दिल की महिला आप होंगी या लड़की होंगी, लेकिन अगर आपकी पार्टनर ऐसी थी तो कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर को, आपका पार्टनर या तो आपके बारे में ये जानता था, उसको ये इंट्यूशन थी कि वो हर्ट हो सकता है या आप उसके साथ में उस तरह की केमिस्ट्री नहीं रखते हैं या आपके एफर्ट्स में कुछ कमी है। और यदि आप एक क्वीन ऑफ कप्स ही, यानी कि आपके दिल में बहुत प्यार था और आप अपने रिलेशन को लेके बहुत अच्छे चल रहे थे या चल रही थी, तो भी कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशंस होती होंगी आपकी रिलेशनशिप के अंदर, आपको फीलिंग आती होगी बहुत स्ट्रांग, या आपको इन फ्यूचर आएगी। अगर आपको कोई भी ऐसी फीलिंग इन फ्यूचर आती है कि आपका पार्टनर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो आपको जरूर डबल चेक करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आपके रिलेशनशिप में वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जो कि आप चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके अपने रिलेशनशिप को देखना चाहिए। अगर आप अपने रिलेशनशिप को, अपने आप को थोड़ा बैलेंस करके देखेंगे तो आने वाले टाइम में आप हर्ट से बच सकते हैं। देखिए, टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे आया है, तो आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ चीजें खत्म होने जा रही हो।
अगर ऐसा है तो आपको उन्हें खत्म कर देना चाहिए अगर इन फ्यूचर ऐसा होता है, क्योंकि ये एक पेन का कार्ड है, ये नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आपने ये रेड हार्ट चुना है और आप अपने किसी एक्स से रिलेटेड इस रीडिंग को रेजोनेट कर रहे हैं, तो आपका ये टाइम पीरियड भी अब खत्म होने वाला है, जो कि एक बहुत ज़्यादा पेन का था, ये भी अब खत्म हो जाएगा और आप इस सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे और आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। तो ये रीडिंग करंट वाली जो रीडिंग है, तो करंट वाली से ज़्यादा तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के एक्स के लाइफ एक्स को लेके बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड हैं। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या आपकी सिचुएशन आपके काबू से बाहर हो रही है, तो आपको अपने रिलेशन को, अपने अपनी जिस जगह पे आज आप हैं उसको, या आने वाले टाइम को आपको थोड़ा सा अपना बोझ कम करना चाहिए। यहाँ पे जो ये कार्ड्स आए हैं ना, वो कार्ड यही बता रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस से ज़्यादा ना एक बोझ है। तो अगर एक बोझ है आपकी आपकी रिलेशनशिप के अंदर, तो आपको अपनी उस चीज़ को बैलेंस करना चाहिए, अदरवाइज आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाएंगे इन फ्यूचर। और आपको उतना ही देना चाहिए अपने रिलेशनशिप के अंदर जितना कि आपको मिल रहा है, यानी कि आपको अपना लेन और देन बिल्कुल बराबर रखना चाहिए, एक बैलेंस बिहेव करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए एक केमिस्ट्री को बनाने की। और अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स था या एक्स है अभी भी, तो आपको उसे रिलीज करना चाहिए ताकि आपको इस तरह की कोई परेशानी ना हो। एक सोलमेट का रिलेशन आपका बन सकता, या अगर आप इसे एक्स से रिलेट कर रहे हैं तो बन सकता था, लेकिन वो बनते बनते रह गया। और अगर वो होगा भी, तो भी वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका है। अगर आपको ये लगता है कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं आपके साथ इस रिलेशन को डिजर्व नहीं करते थे। और अगर आप करंट रीडिंग की बात करें या करंट एनर्जी की बात करें या आने वाली एनर्जी की बात करें, तो आपको यही करना चाहिए कि आपको अपने रिलेशनशिप में एक केमिस्ट्री ढूंढनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि वो केमिस्ट्री आपके रिलेशनशिप में नहीं है, तो आपको उसके लिए एफर्ट करने चाहिए। और अगर वो एफर्ट भी आपके काम में नहीं आते, तो अगर आप स्ट्रगलिंग मोड में रहते हैं, क्योंकि ये कार्ड्स जो बता रहे हैं वो एक स्ट्रगल को बता रहे हैं, ये कार्ड भी स्ट्रगल को बता रहा है, ये कार्ड भी स्ट्रगल को बता रहा है, ये पेन को बता रहा है, ये होने वाले पेन को बता रहा है। तो अगर आपको ये लगता है कि किसी भी तरह के पेन में आप उलझे हुए हैं, तो आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, उनसे क्लियर करनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि जैसे ही आप उनसे बात क्लियर करने लगेंगे, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप अपने किसी एक्स के लिए रीडिंग रेजोनेट कर रहे हैं, तो ये होगा कि आपको अपने आप को संभालना चाहिए, आपको अपने विजन को चेंज करना चाहिए। आने वाली गर्मियों तक कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपकी लाइफ एक हैप्पी मोड में बदल जाएगी, चाहे आप किसी नए रिश्ते में जाएं, चाहे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत आने वाले महीनों में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएंगे और अपनी लाइफ को आप एक अच्छे नज़रिए से देख पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों को पहले बैलेंस करें, अपनी पुरानी चीज़ों को, अपने पुराने अकाउंट्स को क्लियर करें। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने एक्स को मन में रख रहे हैं, लेकिन करंट पार्टनर के साथ एक रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, तो आपको भी अपने लाइफ से उस पार्टनर को रिलीज करना चाहिए जो आपके एक्स थे, क्योंकि उनकी एनर्जी की वजह से आपकी एनर्जी जो है आज की अपने पार्टनर के साथ मैच नहीं हो पा रही है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने अतीत को अतीत में ही रहने दें, भविष्य वर्तमान में ना लाएं, अपनी खुशियों को चुने, अपने लिए एक अच्छा चुनाव करें। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। यदि आप वीडियो से रेजोनेट कर पाए हो, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बता सकें तो जरूर बताइएगा कि आप कैसे अपने आप को चेंज कर पाए या कितना इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।